रॉयल राइज डेवलपर्स आपको दे रहा है शहर की सबसे शानदार लोकेशन पर रहने का मौका, क्योंकि हम मकान नहीं घर बनाते हैं, वो भी बेहद कम दामों पर। अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। न्यायालय के निर्णय के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास बने पुराने गांधी छात्रावास को प्रशासन व नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। इस बिल्डिंग को लोक निर्माण विभाग द्वारा जीर्ण शीर्ण घोषित किया गया था। इस बड़ी कार्रवाई को करने के लिए प्रशासन व नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता सुबह से ही तैयारियों में जुट गया था। कार्रवाई करने के लिए जेसीबी की 6 मशीनें और पूरा अतिक्रमण अमला मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान खंडवा एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार प्रताप सिंह आगासिया, नगर निगम उपायुक्त दिनेश चंद्र मिश्रा व भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लंबे समय तक यह छात्रावास एक समिति के कब्जे में था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम ने इसे ध्वस्त कर दिया। अब प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग को यह स्थान दिया गया है। किससे कार्रवाई आज की गई? ये एक शासकीय परिसर है जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जीर्ण शीर्ण घोषित किया गया है, इसलिए खतरनाक भवन है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आदेश अभी पिछली 10 तारीख में हुआ है, जिसमें इसको शासकीय घोषित किया गया है और पुरानी निषेधाज्ञा को अपास्त किया गया है। उसमें ये शिक्षा विभाग के कब्जे में दी जा रही है। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा। जीर्ण शीर्ण ध्वस्त किया है।